सूद पहुंचे हैं रोडीज के लॉन्च इवेंट में, जहां वो अपने साउथ अफ्रीका की जर्नी पर बोलते हुए आए नजर. आप भी देखे शो को लेकर और अपनी जर्नी को लेकर क्या बोले हैं सोनू सूद. बट वो भी एक सच्चाई है. बोलते हैं कि हमें जिंदगी में बहुत बार एलिमिनेशन मिलते हैं, हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसी मुश्किल चीजें आती हैं कि हम लोग लाइफ की उस रेस से थोड़े समय के लिए एलिमिनेट होते हैं और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस जो जिंदगी है रोड पर लेकर आनी है. सबने देखा होगा, इन लोगों को तो डर लगता था, लेकिन मुझे और इसलिए टेंशन आता था कि यार ये ना जाए, यार रोक लूं मैं इनको, यार बड़ी कोशिश करता था मैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट वॉर्मेट बना दे यार ये ना जाए. आई थिंक दैट्स वॉट बहुत डिफिकल्ट पानी है वैसे ही, मैं क्या ज्ञान दूँ कह. लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी विच आई थिंक द होल नेशन विल सी, कि जो बदलाव आता है एक्सपीरियंस से, हर रोज़ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो उससे चेंज आता है आपकी लाइफ में, वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का होता है और वो आप लोग महसूस करते हैं. आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा है खुद के अंदर, और मैंने इनके अंदर देखा. आई स्टिल रिमेंबर जो मैं फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे रूडीज़ का, तो सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे. डायरेक्टर अंकित थे वो है. हमारे डायरेक्टर मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे, आजा बॉस रेडी है, कैमरा रोलिंग है, मैं बैठा हूँ आप भी आएगा. अभी अंकित किधर है, दिख रहा है कहीं पे? आई थिंक यहीं पे है हमारे डायरेक्टर साहब भी. हाय हाय अंकित, क्या हाल है? सो वो है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, और मुझे लगता है आप लोगों का भी वही है ना. ये देखो सोन, देखा क्या जवाब दिया है. देखो 400 कमी रहेगी है बॉस, वापस मेहनत करूंगा और फिर वापस आप आते हो या फिर इंतजार करते हो कब आने. आई थिंक वो एक रूडी सिर्फ एक शो नहीं है, एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है. ट्रू, एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं कि बॉस किन मुश्किल तरीकों से हम लोग निकलते. जब हम लोग कॉलेज में थे हमने सब एक्सपीरियंस किया, और आज जब हम वो पूरा डॉक्यूमेंटेड देखते हैं और इतनी बड़ी लंबी जर्नी देखते हैं. मुझे आई रिमेंबर कि वी स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के कोने से शुरू किया, केप टाउन तक हम लोग गए. कई बार बिल्डअप बड़ा होता था कि आज का जो टास्क है इतना मुश्किल है, अगर कुछ हो जाएगा लेट जाना, बहुत ज्यादा हमला हो सकता है. लेकिन हमारा जो है ना एक लेकिन बहुत है कि यार सब कुछ हो जाएगा, आप खाइए पिए ये कीजिए ऐश कीजिए, लेकिन ट्विस्ट, लेकिन उसके अंदर एक कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, उस लेकिन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है. तो आई थिंक उस लेकिन में जब लोग ये शो देखना शुरू करेंगे, वो भी कहीं ना इसका जो एक्सपीरियंस था वो सबसे कमाल था. एंड ऑल थैंक्स टू दीज गाइस आल्सो. गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. सोनू सर का इमोशनल साइड भी हम देख